दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने उन्हें चौथी बार इस केस में पेश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि पिछले तीन बार की तरह इस बार भी केजरीवाल जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर के बजाय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक्सलेंस इन एजुकेशन अवार्ड के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हालांकि इस बात की पहले से ही उम्मीद जताई गई थी कि दिल्ली सीएम चौथी बार भी ईडी के समन पर उसके दफ्तर नहीं जाने वाले हैं। उसकी वजह यह थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को गोवा के तीन दिवसीय दौरे पर जाना है। कहा गया कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गोवा में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। हालांकि केजरीवाल गोवा जाने के बजाय दिल्ली में ही एक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं दिल्ली सीएम केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय को एक चिट्ठी भेजी है। इसमें ईडी के बार बार समन भेजने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आपने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए समन भेजा जा रहा है। बीजेपी का मकसद दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करवाना है। आपका कहना है कि ईडी ने कहा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार समन क्यों भेजा जा रहा है? ईडी को दिए जवाब में आपने कहा है कि भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं उनके खिलाफ चल रहे मामलों को बंद कर दिया जाता है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। यही वजह है कि पार्टी को केजरीवाल की गिरफ्तारी का भी डर सता रहा है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बुधवार को जब केजरीवाल से ईडी के समन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार जो भी करने की जरूरत होगी हम वो करेंगे। ईडी ने पिछले हफ्ते दिल्ली सीएम को समन जारी किया था, जिसके तहत उन्हें 18 जनवरी को जांच एजेंसी के दफ्तर जाना था। दिल्ली में आपने ऐलान किया है कि वो सुंदरकांड का पाठ करवाने वाली है। इस पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिनके कई नेता जेल में हैं, जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, आज वही अरविंद केजरीवाल और उनके लोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को चार बार ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा जा चुका है। केजरीवाल समन पर पेश नहीं होते हैं, लेकिन मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं।